गायत्री महामंत्र का उच्चारण ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उसको सुचारू कर ले। आसन के मध्य भाग पर खड़े हो जाए। अब आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अभ्यास शुरू होने जा रहा है। पांव में दो गुना श्वास बाहर निकालते हुए थोड़ी कंठू के साथ और श्वास भरते हुए गर्दन पीछे रीढ़ के साथ एक बार आप स्वयं दोहरा ले। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास बाहर निकालते हुए बाएं कंधे के साथ आपका बायां का। अब दोनों भुजाएं सामने ले पर शरीर के साथ प्रभाव पर ध्यान। श्वास में धड़ भुजा को ऊपर ताने। अब एड़ियां उठा लें। टिपिंग पॉइंट आगे कर लीजिए तो आपका बैलेंस और इस वक्त सबका। 21 जून 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जिन्होंने स्वस्थ भारत का निर्माण करने का जो संकल्प लिया। संकल्प लेते हुए ही कि एक स्वस्थ भारत होगा तभी एक स्वस्थ जो परम वैभव जो भारत की हम परिकल्पना करते हैं उसका स्थापीकरण हो पाएगा। मैं आज यहाँ मुबारक मंडी प्रांगण में हूँ। यहाँ पर सुबह हमारा 6 से लेकर 8 बजे के तक हमारा योगा का कार्यक्रम रहा, जिसमें 250 से 350 तक हमारी संख्या रही। हमारी योग भारतीय योग संस्थान ने हमें बहुत उसमें हेल्प करा। हमारे कृष्ण प्राशर जी हमारे योगाचार्य हैं, उन्होंने भी इसमें अपना जो उद्बोधन भी रहा और अपना योगासन भी करवाए। और स्पेशली हमारे भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, चाहे बूथ प्रेसिडेंट हो, हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हो, या हमारे बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, जिला स्तर के या प्रदेश स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ मौजूद रहे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को समन्वय बनाकर सफल रूप दिया। और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय 8वें जो हमारा योगा दिवस है, जिसके माध्यम से एक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया कि भारत आज स्वस्थ है। और स्वस्थ समाज की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो योग हमारा बेस है, हमारे ऋषि मुनियों की हमारी धरोहर है। इसी को अग्रसर करते हुए हमारे भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के इस बेस को लेकर स्वस्थ भारत का निर्माण करते हुए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।